हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मम्मी क्या करने वाले हो? मैं करेला भरा हुआ करेला बनाने वाली हूँ। पाव के लिए लाई थी, इसमें चार आया तो उसको मैंने क्या करी थी, इसका आम का जो छिलका वो निकाल दिया, इसको नमक डाल के एक सीटी मरा लिया, तो उसको उबाल लिए। तो क्या जल्दी तलने के लिए जल्दी तैयार भी हो जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। ये मैंने पाव किलो 250 ग्राम लिया था, चार आया था। तो ये हो गया, एक कांदा को बरिश्ता बना लिया मैंने जल्दी जल्दी हो जाने के लिए। और ये जो चम्मच भर के, ये दो चम्मच धनिया आपका, टू टेबल स्पून धनिया, वन टेबल स्पून, हाँ एक चम्मच, ये टू टेबल स्पून, ये आधा हाफ टेबल और वो वन टेबल, एक चम्मच, ये हो गया। ये सब मैं सब पहले मैंने उसको भून के पीस के रख दी थी। अब ये इसके अंदर ये चला गया मसाला, मैंने कहा जो अक्का रखे थे उसको पीसे। ठीक है, अच्छा खट्टापन होना चाहिए। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, थोड़ा खट्टापन नहीं होगा तो खाने को मज़ा नहीं आएगा। 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालो, जिसको अगर तीखा खाना है तो, नहीं खाना है तो नहीं मत डालो, स्किप कर सकते हैं। तो मैंने एक चम्मच डाल दिया पूरा नमक, नमक स्वाद अनुसार अपना हिसाब से डालने का, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। अभी मैं इसको मिक्स करने के लिए तेल देने की ज़रूरत है, अभी मैं इसको तेल है इसमें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तेल डालूँगी, क्योंकि इसको मिक्स करके अगर क्या ज़रूरत पड़ेगा तो गिल्ला रहेगी तो अंदर से नहीं निकलेगा। ये मसाला बना के रख देगा ना, ये कोई भी चीज़ अगर भरवा बनाया, पटोल बनाया, परवल, उसके हमें को थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। ये थोड़ा तेल डालेंगे क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा मसाला, इसमें एकदम कांदे के साथ मिक्स हो जाएगा। भरते देखो, नमक देखती हूँ, बराबर हो मसाला बराबर है। देखो ऐसा खट्टा भी जिसको जितना भर के बनाना है बना सकते हो, बना सकते हैं। देखो माशाल्लाह कितना मस्त लग रहा है, अगर बच जाएगा तो भी फिर दूंगी। अभी ऐसा ऐसा मसाला भी इतना टेस्टी बना है ना, जब तक आलू बना के नहीं खाओगे ना मालूम नहीं पड़ेगा। प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना, इतने मेहनत से इतनी मुश्किल से मम्मी बना रहे हैं, मेरी मम्मी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना 1000 प्लीज़। मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, माशाल्लाह ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते। 50 ग्राम में तो चार आया था, अच्छा ठीक है बना कर देखती हूँ, चार ही चलेगा, सही है। देखो कितना अच्छा लग रहा है इसका मसाला, माशाल्लाह। तेल कितना, तेल एक कटोरा पकड़ो, जब भी ज़रूरत पड़ेगा फिर दूँगी, एक एक करके पहले ये माता देना, मतलब ये वाला ताकि वो अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि मैंने इसको उबाल लिया ना नमक से, ये कच्चापन तो है नहीं, खाली इसको थोड़ा सा हल्का हल्का शाला फ्राई कर लेंगे ना ये चलेगा। ठीक है देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा साइड वाला, आज धीमे कर देंगे ना गैस को, आराम से पानी तो जल जाएगा, वो साइड से पलट देंगे। देखो कितना अच्छा से हो गया, कोई परेशानी नहीं हो, तेल भी बच गया माशाल्लाह। ये तो तेल पूरा, अगर पूरा फुल जल कर देते ना पूरा तेल खा लेते थे, अगर समझो हम लोग एक प्लेट ढक दिए गैस आस्ते करके, सीटी तो मरवा लिया मैंने, अगर ये करेंगे ना थोड़ा और अच्छा से पकेगा, ये देखो और अच्छा से बनेगा। मैं बता रही थी अभी मुझे अभी ये होने आ गया, इसको ये माता कर देने का, मतलब मसाला तरफ मसाले के नीचे, मसाला वाला नीचे कर देने का, वो भी वो अंदर से भर जाएगी और वो नहीं गिरेगा। ये हो गया अभी कंप्लीट, हाँ ज़्यादा ये पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं कच्चा रहता तो ना ज़्यादा देर पकाना पड़ता था। ये आप रोटी से रोटी के साथ खा सकते हैं, देखो गिर गया, अच्छा से रखो, करके निकाल लेंगे पूरा। ये देखो ये मसाला गिर गया था थोड़ा, क्योंकि मैंने धागा से नहीं बांधी इसको, ऐसा हो जाता तो धागा बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले बांधते थे। हाँ का भरवा करेला का रेसिपी रेडी हो गया है, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आप लोग ने हमारा वीडियो स्किप नहीं किया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मम्मी के जैसा भरवा
करेला बना के खाना बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग के लिए मम्मी इतना हेल्प करते हैं, इतना मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि मेरी मम्मी को लगेगा हाँ मैं जो मेहनत कर रही हूँ उससे मुझे कुछ सफल हो रही हूँ मैं। मेरा जो ब्लॉग है, मम्मी का जो ब्लॉग है रुखसाना मुल्ला भी शेयर कर दिया करो। तो रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखा करो, उसमें कितने सारे लिंक दिए हुए हैं हमारे चैनल के, आप लोग वहाँ पे जाके भी आप। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।